नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लटकन बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 इंच का कपड़ा लिया है और ये लगभग 3.5 इंच का कपड़ा है जिसको बीच से हमने कट किया हुआ है, और इसको इस तरीके से डबल करके इस तरीके से इसको 4 फोल्ड किए हैं और इसको राउंड से ऐसे कट कर दिए हैं। एक फोम सीट लिया है जो इस तरह तरह का हो, साफ्ट वाला जो फोम सीट आता है वो लेना है। एक पीस लेना है इसमें से इस तरीके से, और इसको किनारे में सिलाई लगा लेंगे 1 इंच गेप दे करके। बहुत इजी और सरल तरीके से एक सुंदर लटकन तैयार हो जाता है। देखिए किस तरीके से इसको हम रेडी करते हैं। पूरा किनारे में 1 इंच छोड़ करके पूरे राउंड में इसको सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। दूसरे में भी इसी तरीके से सिल लेना है। ये दोनों पल्ले हमने सिल लिए इसमें। अब इसको पलट देते हैं और कोने को अच्छे से निकाल लेना है। शेप जो है वो कोने से ही दिखता है। यहाँ पर एक सुंदर सा लटकन रेडी हो जाएगा, ये देखिए। एक अब दूसरे ये इसको लेते हैं और डबल इस तरीके से रखना है। यहाँ पर भी 1 इंच गेप छोड़ करके चारों कोने में सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। अब इसको भी पलट लेंगे, सीधी कर लेते हैं। इस तरीके से ये दोनों हो गया। अब इसमें स्पंज को सेंटर से ऐसे कट कर लेते हैं और इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसके अंदर हम इसको लगा देते हैं। एक्स्ट्रा हो गया तो इसको कट कर लेते हैं और गोल करके इसको फोल्ड कर लेना है और अंदर में इसको भर देना है। इसी तरह से सिलाई संबंधी जानकारी के लिए, सिलाई सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर हम एक सुंदर सा लटकन बना रहे हैं। बहुत इजी और सरल तरीके से लगभग 4 मिनट में रेडी हो जाएगा। इस टाइप का एकदम सरल है और कम समय में भी रेडी हो जाता है ये। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसमें स्पंज को जो फोम है वो उसको अंदर किया है इस तरीके से। तो दोनों में हमने इस तरीके से फोम को किया है। अब ये वाला है उसको कोने से सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर दोनों को सिल लिया और चारों कोने में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं लेस को लगाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लटकन बनकर तैयार हो गया। इसको ज़रूर ट्राई करें ब्लाउज के लिए, किसी भी और ये के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।